सत्य बात है और हमेशा सत्य बात आदमी ने कड़वी लग्या करे। आदमी काणो हो नहीं बिन खुद ने ठाए के हूं काणो हूं, लेकिन बिने काणो के ना बिन री आवे नहीं आवे है। ध्यान होते हुए भी कोई स्वीकार नहीं करे, चाहे शरीर में केड़ी भी कमी हो। तो आज हूं 20 साल 15 साल 25 साल पहले हर गांव में गौशाला नहीं है। बड़ी सत्य बात है, मैं कोई गौशाला की निंदा नहीं करूं, लेकिन मैं अपनी खुदरी बात करूं, उनमें मैं भी बेड़ो हूं। आपने नजदीक नजदीक में खाली पथमेड़ा गौशाला ही थी, आज हर गांव के में गौशाला खुलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आमने खूंटे की गाया है बा नहीं आपा छोड़ दी, ए कोई गाया विदेशों नहीं आई है, ए आमनी गाया है। और आप ही जार पर घोषणा करांगे फलाने गौशाला में मैं इतना रुपया दिया। यदि एक एक आदमी शब्द ले ले कि मैं हमारे गाय के में घर के में एक गाय जरूर रखूंगा, तो गौशाला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन वास्ते कवि लिखो कि कलजुग आयो काड़ो धोड़ो इनरो मुंडो बाड़े, अरे गऊ माता जावे कटनी में भाई लोग गिंडकड़ा पाले। बड़ा बड़ा शहरा में जाओ, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग बनोड़ी है, और घर के बाहर विद फोटो और नीचे लिखुड़ो है कि कुत्तों से सावधान। असत्य बात। अब आने वाला आदमी के विचार करे घर में कुंड है, बोले कल चुके आयो जो और घर में बड़ियो थे, बउआ छोड़ा घूंघटा, बउआ छोड़ा घूंघटा रे, हम काडो देवरी ने जे। कलियुग आयो जोर घणो और हमें घर में बढ़ गयो है थेट, बउआ छोड़ा घूंघटा काडो देवर ने जेट। थाने हरम आवे थे काडो में तो नहीं काटो है? तो कहवे कि इन समय में कोई भी हाची बात बताओ तो वेला उन्हें लोग माने नहीं, झूठा लोग वे पाखंडी लोग वे बने ज्यादा मान्या करे। तो संत महात्मा अगमरी बात लिखी है और बोले थोड़ी बात कम करो मंच में। अरे सतरे धर्म माए खटपटी होवे, सतरे धर्म माए खटपटी होवे, ए पाखंडी राज चलावे राजा परिषद, ए पाखंडी राज चलावे राजा परिषद, हम कोरोरे पापरो, हम कोरोरे पापरो आवे। अरे सत्रे धर्म सत्रिय रोज जावे, सत्रे धर्म सत्रिय रोज जावे, अरे त्रिया राज चलावे राजा परिषद, ए त्रिया राज चलावे राजा परिषद, सत धर्म सत्रिय रोज आवे, तिरिया राज चलावे राजा परिषद, एड़ा एड़ा कलज आवे। आजकल तो मैं घर में लुगाया हूं राज नहीं, राजस्थान माते हर देश माते भी रहो कलजुग है। आगे बड़ी विशेष बात लिखी है, अरे जीवता माई तोने, जीवता माई तोने रोटी नहीं देवे, जीवता माई तोने रोटी नहीं देवे, अरे मुआपस गंगा जी ले जावे राजा परिषद, ए मुआपस गंगा जी ले जावे राजा परिषद, हम
ने रोटी नी देवे मुआ पसे गंगा जी ले जावे थोड़े दिनारा हराद बनावे कागला ने बाप बनावे राजा परिषद एड़ा एड़ा कर जे आवे। जिस आदमी के जीवन में माँ और बाप जीवता है उन्हें कोई तीर्थ वार्ता जावारी जरूरत नहीं है। आप चाहे साकी सुनो, चाहे आरती सुनो, चाहे भजन सुनो, सुनन ग्रहण नहीं करे जब तक कोई गाउन में मतलब नहीं। आरती में भी लिखियो है कि हिरदेली हवेली माई रेओ प्रभु रात दिन। अब लिखने वालों तो वही लिख सके जोधपुराला भाटा माई रेओ प्रभु रात दिन। आदमी लाखों हजारों करोड़ों रुपया खर्च करो और मंदिर बनावे, लेकिन एक कवि ने लिखा है मैं तो मंदिर भी गया, पूजा आरती भी की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया मैंने माँ बाप की सेवा की नहीं तो फिर मंदिर जाने से क्या फायदा। और ओई प्रमाण साकी में है 68 तीरते एक सुव्यागत मात पितारी सेवा हो। तो माँ बाप उपन बड़ो कोई तीरथ कोई धर्म कोई दान कोई पुण्य नहीं है, लेकिन वो कर चुके हैं। इनमें भी आगे लिखियो है कभी कहे के घर में कौन आवे तो राजी वेर, कौन आवे तो नाराज वे, और घना राजी कद वे के जद अरे हाला आवे तो घणो मन राजी, हाला आवे तो घणो मन राजी। अरे हाला आवे तो घणो मन राजी, हाला आवे तो घणो मन राजी। अरे बाप रो रे कयो बेटो नहीं मोने, आजरी दुनिया में माँ बाप भी थोड़ो थोड़ो फर्क रखे कि जको बेटो हल्ला पैया कमाऊं तो भी वो मान सम्मान थोड़ो हल्लो वो ही, और जको थोड़ा सा कम कमावे भी वो मान सम्मान, क्योंकि आज दुनिया पूरी पैया माता हले। दुनिया पैसे की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी माया पैसे री। पैसों परदेसा ले जावे, नीतर गलिया में गोता खावे, लोग पागल के बतलावे माया पैसे री। पैसों माँ बाप ने प्यारो, नीतर बेटो लागे खारो, उड़ने कर दे घरसू न्यारो माया पैसे री। तो लिखे अरे बाप रो रे कयो बेटो नहीं मोने, भाई बाप रो रे की तो बेटो नहीं मोने।
चेला गुरु में हमें जावे राजा परिषद, ए चेला गुरु में हमें जावे राजा परिषद, हम एड़ा एड़ा कल जगी आवे जी हाँ। सिख देव सुनो भाई सासो, ए हो से हम देने आलो राजा परिषद, कृष्ण बलदेव की।